हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। और अभी हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ लेजेंड वर्सेस साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में जो ये मुकाबला खेला जाने वाला है रोड सेफ्टी का। तो यहाँ से हम आपके फुल डिटेल और फुल प्लेयर नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की नॉलेज हो जाएगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पसंद इन द सेंस अगर आपको वीडियो से इन्फो मिलती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी तरीके की वीडियोस अपडेटेड रहने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट से, स्टार्ट करते हैं। तो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी का न्यूट्रल विकेट एक माना जाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रहता है, यहाँ पर बैट्समैनों के लिए मुफीद रहता है ये ग्राउंड। लेकिन अभी के जो एक ही मैच खेले गए हैं, तो यहाँ से आप लोग का आपको न्यूट्रल विकेट मान के ही अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास वैसे है नहीं। यहाँ पे 138 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 139 जो चेज हो गया था अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला खेला गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की। तो यहाँ से इनके जो टीम में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि बहुत अपने टाइम के बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर रह चुके हैं, तो यहाँ से हम बात करेंगे। यहाँ से इनके जो परफॉर्मर हो सकते हैं वो हैं, यहाँ से हर्सल गिब्स ओपन करेंगे जैक्स रुडोल्फ के साथ, एम जसवेल्ड हैं, उसके बाद यहाँ से लेंस क्लूसेनर हैं और जॉन्टी रोड्स हैं, मॉर्वन वीक है, रियान मैक्लेरन, एल्बी मॉर्कल, एंड्रू हॉल और ग्रैंड क्रूगर में से कोई एक, और उसके बाद यहाँ से जोहान वेंडर वर्थ हैं और पॉल हैरिस है। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। यहाँ से आप इनके प्लेयर्स के बारे में बात करें तो हर्सल गिब्स अपने टाइम के बहुत अटैकिंग प्लेयर, आप सभी को पता है बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं ये। अभी इनका जो उम्र है वो 46 साल हो गया है, 2016 में लास्ट खेले से 3895 रन बना चुके हैं 167 इनिंग में 25 की एवरेज से। जैक्स रुडोल्फ की बात करें तो इन्होंने भी 4016 रन बनाए अपने करियर में 34 की एवरेज से, 38 साल के ये हैं अभी, और रिसेंटली 2017 में इन्होंने खेला था। उसके बाद यहाँ से बात करें एम वेन जर्सवेल्ड की, तो इन्होंने 122 इनिंग में 2785 रन बना चुके हैं और यहाँ से 26 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए, 14 मैच में 10 विकेट भी इन्होंने निकाले। सॉरी फ्रेंड्स, ये 144 इनिंग है, मैंने गलती से 44 लिख दिया था, ये 144 इनिंग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं यहाँ से लेंस क्लोनसर की, जो ये भी एक अच्छे बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर का, 46 इनिंग में 1014 रन 34 की एवरेज से और 40 मैचेस में 29 विकेट्स भी निकाल चुके हैं, अभी 48 की एज के हैं और 2015 में ये लास्ट खेले थे, ठीक है। तो ये भी आप देखना, ये भी आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा कि बल्ले से और गेंद से दोनों से परफॉर्म कौन कर रहा है। जॉन्टी रोड्स अपने टाइम के बहुत बढ़िया एक प्लेयर और यहाँ पर ये 50 साल के हो चुके हैं, लास्ट इन्होंने 2016 में खेला था, अपनी टीम के कैप्टन भी है। मॉर्वन विक 40 साल के हो चुके हैं, रिसेंटली 2019 में ही खेला था, 146 इनिंग में 4015 रन ये भी बना चुके हैं। रियान मैक्लेरन और एल्बी मॉर्कल, अभी इन लोगों की उम्र ज़्यादा है नहीं, 37 और 38 साल के हैं रिस्पेक्टिवली। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये लोग जो रियान मैक्लेरन बहुत अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, अगर रिसेंटली आप साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक मैचेस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और एल्बी मॉर्कल भी बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, फिलहाल के लिए ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप मान सकते हैं दोनों अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप इनसे रख सकते हैं। ये 2019 में खेले रियान मैक्लेरन और 2018 में लास्ट टाइम खेले एल्बी मॉर्कल, 287 इनिंग में 247 विकेट भी निकाल चुके हैं ये, तो ये दोनों को मेरे हिसाब से अच्छा पिक हो सकते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद जोहान वेंडर वर्थ एक अच्छे फास्ट बॉलर, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, 42 इनिंग में इन्होंने 104 इनिंग में 108 विकेट निकाल चुके हैं, 2017 में लास्ट खेले थे। पॉल हैरिस अपनी टीम के लिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है और इन्होंने 41 साल है और 2016 में खेले थे, 24 इनिंग में 29 विकेट ये निकाल चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स की बात करें तो ये एक मैच खेल चुकी हैं, हालांकि वो मैच ये हार गए थे, इंडिया से ही आ रहे थे, लेकिन इनके पास अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जैसे डेरन गंगा ने लास्ट मैच में 32 रन बनाए थे, शिवनारायण चंद्रपॉल 61 रन, ब्रायन लारा 17 रन, डी हयात 12 रन, कार्ल होपर 2 रन प्लस 2 विकेट, यहाँ से फिर पॉवेल एक रन, उसके बाद यहाँ से जॉकब से 2 रन, सुलेमान बेन 1 विकेट, टीनो बेस्ट 0 विकेट, सैमिल बद्री के जगह पे राम नारायण के जगह पे यहाँ से आ सकते सैमिल बद्री, उसके बाद पी कॉलिंस है यहाँ पे। अब इनके हम ओपन बॉलर की बात करें तो टीनो बेस्ट और पी कॉलिंस और डेथ बॉलर में कार्ल होपर और पी कॉलिंस और टीनो बेस्ट में से कोई एक हो सकता है। अब इनके हम अगर प्लेयर्स इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ से फ्रेंड्स डी गंगा, जिन्होंने 31 इनिंग में 518 रन बनाए, ये लास्ट 41 साल के, वैसे लास्ट 12 मतलब इस टूर्नामेंट से पहले 2012 में खेले थे। डी हयात 59 इनिंग में 1141 रन, 22 की एवरेज से, 36 साल के ये हैं। ब्रायन लारा के ज़्यादा रिकॉर्ड मिला नहीं लेकिन T20 के, लेकिन जो इन्होंने क्रिकेट
क्रिकेट खेली है ओडीआई जो टेस्ट में, वो अपने टाइम के लिए बहुत इंप्रेसिव थे, ठीक है। तो 50 साल के अभी हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट से पहले रिसेंट ये 2010 में खेले थे। उसके बाद चंदर पॉल की बात करें तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कंसिस्टेंट बैट्समैन के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। 78 इनिंग में 1576 रन इन्होंने बनाए हैं 23 की एवरेज से। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ से कार्ल होपर की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर है, 53 साल के, सबसे बड़े मेरे हिसाब से एज एड यही है, 2015 में लास्ट खेले थे इस टूर्नामेंट से पहले। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस आपके जो स्किल पे बेस होने चाहिए वो है चंदर पॉल, हर्षल गिव, जॉन्टी रोस, कार्ल होपर और ब्रायन लारा। अब थोड़ा सा डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैक्लेरन, मॉर्केल, डी हयात और लेंस क्लोन्सर को आप ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स में जैसे रुडोल्फ है, इनके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान रहेगा, बट ये जो है बहुत ही बढ़िया और इम्प्रेसिव प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं साबित। तो इनको आप अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका मतलब क्रेडिट वगैरह अलाउ करता है तो। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। तो यहाँ से फ्रेंड्स मॉर्वन वीक और आर जेकॉब्स दो अच्छे ऑप्शन, हालांकि मैंने मॉर्वन वीक को इसलिए लिया हुआ है अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मेरे हिसाब से मॉर्वन वीक थोड़े स्लाइट बेटर ऑप्शन होंगे, लेकिन आर जेकॉब्स भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको क्रेडिट मैनेज करना है तो, ठीक है। दोनों का ही बल्लेबाजी ऑर्डर जो है वो मतलब लेट डाउन होता है मिडल ऑर्डर में, लेट मिडल ऑर्डर में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं क्रेडिट मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास क्रेडिट है तो मैं मॉर्वन वीक के साथ जाना पसंद करूंगा। बल्लेबाजी की बात करें तो ब्रायन लारा मेरे हिसाब से, आप चाहें तो ब्रायन लारा की जगह थोड़ा सा जॉन्टी रोड्स और ब्रायन लारा को अगर आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं आप ऑलराउंडर में से एल्बी मॉर्कल की जगह पर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे आप चाहें तो उसके बाद यहाँ से हर्षल गिब्स। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक प्लेयर को जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, जिसको मैं नहीं मिस करना चाहता हूँ, वो है जैक्स रुडोल्फ। इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी इंप्रेसिव है और इतने ज़्यादा मतलब इनकी एज भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने 144 इनिंग में 416 रन बनाया 34 की एवरेज से, ठीक है। 38 साल के हैं, रिसेंटली अभी 2017 में ही इन्होंने क्रिकेट खेली है। तो इसी चीज़ को देखते हुए बस मैं यहाँ से रुडोल्फ को मिस कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अगर मुझे पता चला कि ये मतलब इनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही तो मैं डेफिनेटली इनको लेने की कोशिश करूँगा, फिर चाहे मुझे यहाँ से हर्षल गिब्स या ब्रायन लारा या जॉन्टी रोड्स, इन तीनों में से किसी एक को क्यों ना ही ड्रॉप करना पड़े, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्योंकि हर्षल गिब्स और ब्रायन लारा का नाम बहुत बड़ा है, दो बहुत लोग इनके साथ जाएंगे। मैं ये भी कहूँगा कि हर्षल गिब्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें ब्रायन लारा की तो इन्होंने अपने करियर में T20 के मैचेस बहुत कम खेले, इन्होंने जो खेले हैं वो है ODI और टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं, ठीक है। तो और उनमें इनका रिकॉर्ड काफ़ी इंप्रेसिव है, मैं इनके करियर पे या फिर इनके टैलेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि T20 की क्रिकेट इन्होंने कम खेली है और मैं भी अभी जो 17 मतलब अभी जो लास्ट मैच है उसमें 17 रन बनाए तो मैं भी ये जल्दी आउट हो सकते हैं ये चीज़ को देखते हुए। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा यंग प्लेयर जो कि अभी रिसेंटली क्रिकेट से जुड़ा हुआ है जैक्स रुडोल्फ को ट्राई करना चाहूँगा। ये चीज़ मैं आपको बाद में टॉस के बाद बताऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो है टॉस पे भी डिपेंड करती है। अगर ब्रायन लारा की टीम चेज करेगी तो मेरे हिसाब से फिर ब्रायन लारा के सामने कोई अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता, बिकॉज चेजिंग में अच्छे ये आपको इजी चेज करके दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि जितना ज़्यादा हाई स्कोर ना बने तो वही है, ये आफ्टर टॉस के बाद डिसीजन लिया जाएगा और वो सारा डिसीजन हम आपसे और जो भी हमारा जो मतलब आफ्टर टॉस अपडेट होता है सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे आपसे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, कोने में सर्च का बटन आता है, वहाँ जाके सर्च करो फैंटेसी बस 11 FANTSYBUZZ11, ये सर्च करेंगे तो 67,000 के समथिंग आपको एक सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिखेगा, आपको वहाँ पे जुड़ जाना है, फ्री में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आफ्टर टॉस यहाँ पे दे दी जाएगी और टाइम टू टाइम क्रिकेट की नॉलेज भी आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो जुड़ जाइएगा फैंटेसी बज 11 नाम से सर्च करके टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से ब्रायन लारा, हर्षल गिब्स को लिया हुआ है और उसके बाद जॉन्टी रोड्स और चंदर पॉल को मैंने लिया हुआ है, रुडोल्फ और जर्सवेल्ड, ये दोनों बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं, डिफरेंट पिक हो सकते हैं, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। डी गंगा ओपन करेंगे, डी हयात 4 नंबर पर खेलेंगे, दोनों के दोनों एक अच्छे बैट्समैन है, डी हयात थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा देते लेकिन बॉलिंग मिली नहीं इनको लास्ट मैच में, ठीक है। तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है बैट्समैन सेक्शन में। ऑलराउंडर की बात करें तो एल्बी मॉर्कल बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, मैंने इनको मिस किया है। अब उसके मिस करने का रीज़न भी आपको पता ही होगा कि मेरे पास क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट तो है लेकिन प्लेयर्स का कोटा जो है वो पूरा हो गया है जिसकी वजह से मैं इनको नहीं ले पाया, मैंने क्लोन्सर को लिया। आप क्लोन्सर की जगह पर एल्बी मॉर्कल को ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। और क्लोन्सर और एल्बी मॉर्कल में मैं थोड़ा कन्फ्यूज तो हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लोन्सर का जो बल्लेबाजी क्रम है वो ऊपर आएगा
थोड़ा सा एल्बी मॉर्कल से, और मे भी क्लिंसर को बॉलिंग ना मिले, ये भी एक रिस्क हो सकता है। तो अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो क्लिंसर के साथ जा सकते हो, अगर आप लोग मतलब सेफ जाना चाहते हो तो एल्बी मॉर्कल बेटर ऑप्शन है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, अदरवाइज़ आप सेफ भी जा सकते हैं। अब मुझे आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा सेफ जाना पड़ता है, बिकॉज़ आप सबका मनी जो है मेरे लिए, वो मनी मेरे मेरा जो मनी रहता है वो थोड़ा मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, तो यही रीज़न है कि मुझे भी थोड़ा सेफ जाना पड़ता है आप लोगों के चलते। तो यहाँ से आप एलबी मॉर्कल की जगह पे क्लिंसर को ले सकते हैं। ये आप कब कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर 3 या 4 मेंबर वाली लीग्स खेल रहे हैं तो एलबी मॉर्कल की जगह पे क्लिंसर को ट्राई कर सकते हैं। हम ज़्यादातर हेड टू हेड खेलते हैं, तो चलो मैं एलबी मॉर्कल के साथ प्रेफर कर रहा हूँ। और एक तो ये परसेंटेज वाला सीन कर दिया ड्रीम इलेवन ने, तो जिसकी वजह से हमें मतलब अपना कॉम्बिनेशन बिगाड़ कर सेफ जाना पड़ता है, तो ये वैसे भी सही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लिंसर थोड़े से स्लाइड बेटर ऑप्शन है, बट ये जो परसेंटेज है इसको देखते हुए मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, तो वही रीज़न है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रियान मैकलेरन को लिया हुआ है, कार्ल हूपर को लिया हुआ है। रियान मैकलेरन बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर, गजब ऑलराउंडर है, इनको आप मिस मत करना। कार्ल हूपर डेथ में भी गेंदबाजी करा रहे, इस वजह से मैंने इनको लेना सही समझा। उसके बाद यहाँ से बस जो ये दो प्लेयर है उनको मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें यहाँ से अदर ऑप्शन की, तो कोई खास ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग की बात करें तो सैमुअल बद्री अगर आते हैं तो अच्छे ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। सुलेमान बेन को मैंने लिया हुआ है, इनके पास हिटिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। पी कॉलिंस टीनो बैट्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, आप चाहें तो एवरेज ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से जी क्रूगर एक एवरेज ऑप्शन, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लिया हुआ है वेंडर वर्थ को और पॉल हैरिस को। आप पॉल हैरिस के जगह पे यहाँ जी क्रूगर अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद कोई खास ऑप्शन है नहीं, अब राम नारायण को ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना तो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एलबी मॉर्कल को आप ट्राई कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ से रियान मैकलेरन भी गायब हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एलबी मॉर्कल को भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो जो है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क भी मैंने लिया एक तरीके से क्लिंसर को, क्योंकि मुझे इनका बल्लेबाजी भी बैलेंस करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रुडोल्फ को लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ब्रायन लारा या हर्सल गिब्स या फिर जॉन्टी रॉड्स में से किसी को निकाल कर मैं यहाँ पर अगर रुडोल्फ को लेता हूँ तो मे भी मैं यहाँ एलबी मॉर्कल के साथ चले जाऊँ। तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया, आप सेफ जाने के लिए यहाँ पर सीधे सीधे एलबी मॉर्कल को पिक कर सकते हैं। कैप्टन मैंने किया हुआ चंदर पॉल को, वाइस कैप्टन मैंने किया हुआ हर्सल गिब्स को। आपके पास जो अच्छे ऑप्शन है रियान मैकलेरन, और अगर आपने एलबी मॉर्कल को लिया है तो वो भी बढ़िया ऑप्शन है। कार्ल हूपर भी एक अच्छा ऑप्शन है, इवन आप जॉन्टी रॉड्स या फिर ब्रायन लारा को भी बना सकते हैं, लेकिन जो सेफ ऑप्शन है यही है। हर्सल गिब्स काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, एक चीज़ आपको और ध्यान देना पड़ेगा, क्लिंसर की जगह जो मैंने रिस्क लिया है ये आप मत लेना। आप चाहें तो एलबी मॉर्कल के साथ जा सकते हैं। और टॉस के बाद एक दो चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। रुडोल्फ को मैं यहाँ से शायद पिक कर लूँ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा FANTSYBUZZ11, ये हमारे चैनल का नाम, फैंटेसी बज 11 लगा देना लास्ट में, आप सर्च कर लीजिएगा, सारी अपडेट वहाँ पे आफ्टर टॉस आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।